बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इंस्ट्रूमेंट्स की डायनेमिक करैक्टरिस्टिक्स। हम इस लेक्चर में डायनेमिक करैक्टरिस्टिक को डिटेल से देखेंगे कि इसमें हम डिफरेंट टाइप की इनपुट्स कौन सी पॉसिबल हैं, उसके बाद उनके रिस्पॉन्सेज को हम ऑब्जर्व करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि डायनेमिक करैक्टरिस्टिक्स को हम जब भी ऑब्जर्व करते हैं तो उसके बारे में हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि ये वो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनमें टाइम इन्वॉल्व होता है। मींस टू से कि इनका रिस्पांस जो होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम वेरी कर सकता है। ठीक है, इसमें जैसे हमारे पास यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम है, इसमें हमारे पास इनपुट सिग्नल है और आउटपुट सिग्नल है। इनपुट सिग्नल को हम एक्स ऑफ टी से प्रेजेंट करें और आउटपुट सिग्नल को हम वाई ऑफ टी से प्रेजेंट करते हैं। ये हमारा कोई भी सिस्टम है, ठीक है, इसको हम सेंसर भी ले सकते हैं, सेंसर भी और एक सिस्टम भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारी इनपुट है वो यहाँ पर टाइम पर फंक्शन शो हो रही है। मीन्स टू से जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे इनपुट में भी वेरिएशन आएगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास जो यहाँ पर आउटपुट सिग्नल है वो भी टाइम पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे टाइम वेरी करेगा वैसे वैसे इसका रिस्पॉन्स भी वेरी करेगा। तो स्टैटिक करैक्टरिस्टिक्स के बारे में जब हमने पढ़ा था तो अब हमने ये कंसिडर किया था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कॉन्स्टेंट रहती है। ठीक है, मीन्स टू से कॉन्स्टेंट इनपुट जब उन पर अप्लाई की जाती है तो इनका रिस्पांस होता है वो सेम रहता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर जो होता है रिस्पांस टाइम के साथ चेंज हो जाए तो हम उसको कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास डायनेमिक करैक्टरिस्टिक्स में आ जाता है। ठीक है, तो आज जो बेसिकली हमारे पास बेसिकली जो हमारा आज लेक्चर है वो डायनेमिक करैक्टरिस्टिक्स पे है। जैसे इसमें हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास इनपुट्स होती है वो कॉन्स्टेंट नहीं होती, ठीक है, चेंजिंग होती है, तो हम उसको मतलब उसका जो इंस्ट्रूमेंट का जो रिस्पांस होगा उसको हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो सारा कुछ डिपेंड कर रहा होगा ये डायनेमिक करैक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है कि जैसे हमारे पास एक स्टैंडर्ड थर्मामीटर है, ठीक है, तो वो सूटेबल होता है टेम्परेचर को, मतलब अगर रूम टेम्परेचर को अगर आप मेजर करें तो उसके लिए। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो चेंज होता है वो स्लोली डे एंड नाइट में चेंज होता है। मीन्स टू से रूम टेम्परेचर होता है वो कभी भी एडवांस वेरी नहीं करता। ठीक है, मीन्स टू से फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक नॉर्मल सीजन की बात करते हैं तो 25 से मैक्सिमम 27 तक जो है वो ग्रेजुअली वेरी कर सकता है। ठीक है, हो सकता है कि नाइट के टाइम पे 25 हो जाए और उसके बाद जैसे ही मॉर्निंग होती है उसके बाद सनराइज हो जाता है तो उसके बाद थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि ये जीरो से एडवांस 100 पे चला जाए या 100 से एडवांस जो है वो जीरो पे आ जाए। ठीक है, तो जो भी चेंज होगा इसमें स्लोली होगा। लेकिन अगर जो है वो हम कंपेयर करते हैं इस टेम्परेचर की मेजरमेंट को लाइक कम्बस्टन इंजन में जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये वाला जो चेंज मीन जो है रूम टेम्परेचर के बाद आप एडवांस जो है वो कम्बस्टन इंजन के टेम्परेचर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो एक्सट्रीमली हाई होता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में। तो ये जो आउटपुट होती है स्टैंडर्ड थर्मोमीटर से हम इसको मेजर करना जो है वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है या यूजलेस है, क्योंकि सडन जो है वो उतनी वैल्यू वो परफॉर्म नहीं कर सकता। तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, बताने का मकसद ये है कि वो डिफरेंट टाइप के इनपुट को हैंडल कर सकते हैं डिफरेंट वे में। ठीक है, तो आज जो है वो हमारे पास ऐसा भी हो सक पॉसिबल है कि रिपीटेबल चेंजिंग इनपुट भी हमारे पास चाहिए हो, कि हम चाहते हो कि हमारे पास जो तो आज जो है वो हम थ्री स्टैंडर्ड टाइप की जो इनपुट्स हैं जो हम यूजली स्टडी करते हैं ऑब्जर्व करते हैं उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो उसमें जो वेरी फर्स्ट है वो है स्टेप इनपुट। ठीक है, स्टेप इनपुट में क्या होता है, अगर हम ग्राफ से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमारे पास इजीली हम यहाँ से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसमें क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका रिस्पॉन्स आप चेक करें, ये हमारे पास टाइम एक्सिस है और ये हमारे पास इनपुट को प्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस जो है। इसमें क्या है कि हमारे पास ये वैल्यू जा रही थी ऐसे और एडवांस जो है ये वैल्यू यहाँ से चेंज होके इस तरह से हो गई। ठीक है, ये इसका यूं एडवांस इसका बिहेवियर चेंज हो गया। तो ये क्या होता है, अब्रप्ट चेंज हो गया। मीन्स टू से एक स्टडी वैल्यू से स्टडी इनपुट वैल्यू जो है इसकी एक से दूसरे में सडन चेंज हो गया। ठीक है, तो ट्रांजिएंट चेंज आ गया इसमें। तो इसमें भी क्या है कि दिस इज एन अब्रप्ट चेंज फ्रॉम वन स्टडी इनपुट वैल्यू टू अनदर। ठीक है, यहाँ पर इसकी एक वैल्यू थी उससे यहाँ पर दूसरी वैल्यू में सडन चेंज आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेप इनपुट में आएगा। तो ये क्या शो करता है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। और ये क्या होता है कि इसके अगर हम एग्जांपल जो है वो हम कंसीडर करना चाहें डेली लाइफ से या प्रैक्टिकली, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम थर्मोमीटर को सडनली मूव करते हैं एक आइस के बीकर से बॉइलिंग वाटर में, मीन्स जैसे आपके पास दो बीकर पड़े हैं, एक में आइस पड़ी हुई है, ठीक है, और
दूसरे में क्या है, बॉइलिंग वाटर है। मीन्स टू से यहाँ पर आपने फर्ज करी स्टोव ऑन किया हुआ और ये वाटर जो है इसमें बॉयल कर रहा है, ठीक है, तो स्टीम इसकी यू इसका टेम्परेचर वो एक्सट्रीमली हाई है और इसमें क्या है आइस है, तो टेम्परेचर को यहाँ से निकाल के अगर आप एक स्टेट से सडन जो है वो इसमें प्लेस कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि एडवांस जो है वो आपने इसकी एक स्टेट से दूसरे में चेंज कर दिया, तो ये किस में आ जाएगा, स्टेप इनपुट में आ जाएगा। एक वैल्यू थी इसकी या एक स्टेट थी, उसके बाद आपने एडवांस जो है वो दूसरे में अब्रप्ट चेंज जब आएगा तो इसको स्टेप इनपुट कहते हैं। मीन्स कोई ग्रेजुअल चेंज नहीं आया, इसमें सडन चेंज आया या अब्रप्ट चेंज आया, तो इसको हम कहते हैं ये स्टेप इनपुट है। सेकेंड हमारे पास क्या है, रैंप इनपुट है। रैंप इनपुट में क्या है, चेंज जो है वो सडन नहीं आता बल्कि ग्रेजुअली आता है, ठीक है, लीनियरली वेरी करता है। जैसे इसके ग्राफ को फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें ये हमारे पास एज वी डिस्कस बिफोर कि एक्स एक्सिस में हमारे पास टाइम है और वाई एक्सिस पे हमारे पास इनपुट है या कोई भी मेजर क्वांटिटी है जिसको हम ऑब्जर्व करें या मेजर करें, तो उसमें क्या है जो भी चेंज आ रहा है वो लीनियरली एंड ग्रेजुअली आ रहा है, ठीक है। स्टेप के केस में हमने क्या पढ़ा था, यू हमारे पास एक वैल्यू थी फिर सडन हम दूसरी में चले गए थे, तो इसमें ऐसा नहीं है। तो इसकी एग्जांपल अगर हमने लेनी हो तो इसमें थर्मामीटर जब हम कंसीडर करेंगे इसमें क्या होगा कि आपने बाथ ऑफ वाटर एंड आइस में जैसे एक आपने बाथ लिया हुआ, इसमें हम कंसीडर करेंगे कि आपके पास जिसमें आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं उसमें वाटर भी है और उसमें आइस भी है, ठीक है, उसमें उसको आप कॉन्स्टेंटली उस बाथ को जो है वो हीट भी प्रोवाइड करें, तो इसमें क्या है कि उसमें जो भी चेंज आ रहा होगा टेम्परेचर में वो ग्रेजुअल चेंज आ रहा होगा 0 से लेके 100 तक, ठीक है। तो जो भी उसका रिस्पांस होगा या जो भी उसमें वेरिएशन आ रही है वो एक लीनियर वे से आ रही है, स्टेट भी एक लीनियर वे से चेंज हो रही होगी, अब्रप्ट चेंज उसमें नहीं आ रहा होगा। सेकेंड हमारे पास इनपुट की जो टाइप है वो है साइन वेव इनपुट। साइन वेव इनपुट बेसिकली हम वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर हमें साइक्लिक नेचर जो होता है उसका रिस्पॉन्स ऑब्जर्व करना पड़ता है। मीन्स टू से साइन वेव में क्या है कि इसमें वो इनपुट हम यूज करते हैं जहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को हमने ऑब्जर्व करना हो सिस्टम के, तो वहाँ पर जो है वो साइन वेव इनपुट जो है वो हम यूज करते हैं। तो ये शो करता है कि साइक्लिक नेचर की इनपुट है। मीन्स टू से साइक्लिक नेचर से बात यह है कि लाइक ये अपनी वैल्यू को अगेन रिपीट करेगा, मतलब यहाँ तक लेट्स सपोज इसका एक साइकिल कम्प्लीट हो गया उसके बाद अगेन वही वैल्यू रिपीट होगी। तो इस तरह से अगर हमारे पास साइक्लिक नेचर हो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की, ठीक है, उसको हमने ऑब्जर्व करना हो तो हम साइन वेव इनपुट जो है वो यूज करेंगे। साइन वेव इनपुट बेसिकली हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को शो करने के लिए यूज की जाती है। ये शो करती है कि हमारे पास जो इनपुट का जो रिस्पांस होता है वो साइक्लिक नेचर में होता है, ठीक है। मीन्स टू से साइक्लिक नेचर से मतलब ये है कि ये अपनी वैल्यू को एक इंटरवल के बाद अगेन रिपीट करेगी, यहाँ तक इसका एक साइकिल कम्प्लीट होता है उसके बाद अगेन जो वैल्यू इस तरह से रिपीट करेगा और ये साइकिल जो है चलता रहेगा। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक की जब भी हम बात करते हैं इसमें, जब हमने अभी टेस्ट इनपुट्स को डिस्कस कर लिया कि हमारे पास बेसिकली तीन टेस्ट इनपुट्स थी, फर्स्ट हमने स्टेप इनपुट डिस्कस की थी, सेकंड जो है वो हमने रैंप इनपुट डिस्कस की थी और थर्ड वन हमने साइन वेव डिस्कस की थी, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि जब हम फर्स्ट कर मेजरमेंट ले रहे हैं डिफरेंट सिस्टम को यूज करके हमारे पास रिस्पॉन्स जो है वो आइडेंटिकल आ जाएं, ये एक जैसे आ जाए। मीन्स टू से अगर हम रिस्पॉन्स देख रहे हैं थर्मोमीटर का, ठीक है, स्टेप चेंज करके उसमें, तो टेम्परेचर जो उसका पैटर्न हमारे पास आता है वो प्रेशर सेंसर के पैटर्न के जैसा आ जाए। मीन्स टू से ये दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो है वो अपना रिस्पॉन्स है वो एक जैसा शो करते हैं, तो हमारे पास क्या सोल्यूशन है। इसका भी सोल्यूशन हमारे पास इस तरह से है कि हमने मेजरमेंट सिस्टम को जब क्लासीफाई किया तो उसमें इनके रिस्पॉन्स के बेस पे हमने इसको तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास जीरो ऑर्डर है, दूसरा हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है, तीसरा जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर है। तो हर सिस्टम का जो रिस्पांस है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। मीन्स टू से अब हमारे पास जो भी हमने थ्री टाइप की इनपुट डिस्कस की थी, तो थ्री टाइप्स की इनपुट जो है वो उनमें से हर किसी का रिस्पॉन्स जो है वो इन ऑर्डर के ये हमने जो ग्रुप्स डिस्कस किए हैं इनके अकॉर्डिंग डिफरेंट रिस्पॉन्स होगा। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा ये हमारे पास जनरल एक इक्वेशन है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक सिंपल इक्वेशन है, ठीक है। इसमें इस साइड पे आउटपुट है और इस साइड पे इनपुट है, ठीक है। तो ये जो है ये डेरिवेटिव को शो करें, ये nth ऑर्डर का है, ये n माइनस वन का है एंड सो ऑन जो है, उसके बाद ये हमारे पास ये भी डेरिवेटिव है, उसके बाद ये
ये कांस्टेंट को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये वाली साइड जो है वो हमारे पास आउटपुट को शो कर रही है और ये वाली साइड जो है वो हमारे पास इनपुट को शो कर रही है, दोनों इक्वेशन जो है वो बैलेंस है। अब जब हम जीरो ऑर्डर की बात करते हैं तो जीरो ऑर्डर में क्या है, हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आउटपुट जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है इनपुट के, ठीक है। मीन्स जैसे वेरिएशन हम इनपुट में लेके आएंगे उसी हिसाब से वेरिएशन हमें आउटपुट में देखने को मिलेगी। इसको हम लीनियर बिहेवियर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारे पास आउटपुट जो है वो क्यू नॉट है, प्रोपोर्शनल है वो किसके, क्यू आई के, ठीक है। क्यू नॉट जो है वो क्यू आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको जो है वो हमने ऐसे इक्वेशन लिख ली। ये जो अभी हम लास्ट टाइम डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करके आए थे उससे जो पहले पहले बिल्कुल हमें देखने को मिलती है, जीरो ऑर्डर से हम स्टार्ट करते हैं तो ये वाली इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें जो है वो क्यू आई हमारे पास इनपुट है या मैयट क्वांटिटी है, क्यू नॉट जो है वो हमारे पास आउटपुट है, और ए नॉट और बी नॉट जो है वो हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमने आउटपुट को फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये वाला कॉन्स्टेंट दूसरी साइड पर चला जाएगा, बी नॉट डिवाइडेड बाई ए नॉट, इसको हमने एज इट इज एक जनरली एक कॉन्स्टेंट का नाम दे दिया, यहाँ पर मैंशन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, कॉन्स्टेंट जो है। तो इसको हम स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डिस्कस कर चुके थे, ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी को शो करता है, ठीक है। अब उसके बाद इसके जो यूनिट्स हैं वो एप्लीकेशन पर डिपेंड करेंगे कि हम कहाँ पर इसको यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जीरो ऑर्डर सिस्टम था, इसको हम यहाँ पर ग्राफिकली अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो इसमें क्या है, ये हमारे पास टाइम एक्सिस है, ये हमारे पास इनपुट रिस्पॉन्स है। हम इसको स्टार्ट में कह चुके हैं कि इसमें इनपुट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आउटपुट के, जितना चेंज हम इनपुट में लेके आएंगे उतना ही चेंज हमारे पास आउटपुट में आएगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर इनपुट में चेंज आया वैसे ही यहाँ पर आउटपुट में चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है, ये तो बहुत ही सिंपल था। अब उसके बाद है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को हम अगेन देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्या था, जीरो ऑर्डर था, ठीक है। इसमें जो हमने इक्वेशन यूज की थी वो बिल्कुल ही सिंपल थी, मीन्स ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी। जब मेक श्योर जब हम जीरो ऑर्डर को डिस्कस करेंगे, जीरो ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करेंगे तो मीन्स टू से उसमें ये डेरिवेटिव टर्म नहीं आएगी, ठीक है। उसमें जस्ट ये इन्वॉल्व है और ये वाली टर्म इन्वॉल्व है, बाकी कोई टर्म इन्वॉल्व नहीं है जीरो ऑर्डर के केस में। जब हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। अभी हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की बात करें तो इसमें हमारे पास जो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन से मैंने पहले डिस्कस किया था उसी में से हमने यहाँ से वैल्यूज जो है वो कंसीडर की है, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे पास, ये एक डेरिवेटिव टर्म हमारे पास इन्वॉल्व है, बाकी जो है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पर हमने इसको ओवरऑल जो है इसको डी टर्म के बराबर कंसीडर कर लिया, ठीक है। यहाँ पर डी ओवर डी टी को हमने कैपिटल डी का नाम दे दिया, बाकी ये वैल्यू वही की वही है, वही इक्वेशन एज इट इज, ठीक है। अब इसमें हमने मजीद क्या किया, हम आउटपुट फाइंड करेंगे एट द एंड, तो हम यहाँ पर आउटपुट के साथ जो भी हमारे पास कॉन्स्टेंट आ रहा है उसे सारी इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे ताकि हमारे पास इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास ए वन डिवाइडेड बाई ए नॉट हो जाएगा, ये हमारे पास क्यू नॉट एज इट इज आ जाएगा और ये भी ए नॉट के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ए वन डिवाइडेड बाई ए नॉट को टॉप का नाम दे देंगे, ठीक है। इसको एक और मजीद कॉन्स्टेंट कंसिडर कर लिया, इसको हम ऑलरेडी के बराबर डिफाइन कर चुके थे जीरो ऑर्डर के केस में। तो वैल्यूज जब हम प्लेस करेंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। यहाँ से जब हम क्यू नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह से फाइनली आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम कॉन्स्टेंट होता है, अगर हम यहाँ पर टाइम कॉन्स्टेंट की बात करें तो इसको हम टॉ से प्रेजेंट करते हैं। ये मजीद हम नेक्स्ट स्लाइड में ग्राफिकली जब ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास पता लग जाएगा क्लियरली। डायनेमिक करेक्टरिस्टिक्स की जब बात करेंगे तो उसमें आ जाएगा कि टाइम कॉन्स्टेंट क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम कौन सा होता है, राइज टाइम और पीक टाइम, ये सारा एक ग्राफ से हमें मजीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, ये हमारे पास क्या है, वो क्वान्टिटी है जिसको हम मेजर कर रहे थे, या हम इसको यूँ भी कह सकते हैं ये हमारे पास इनपुट क्वान्टिटी है, ठीक है। और इसका जो रिस्पॉन्स है या जो आउटपुट है वो ये है। अब इसको चेक करें, टाइम कांस्टेंट की मैंने कहा था ग्राफिकली ऑब्जर्व कर लेंगे, तो इसमें क्या है, टाइम कांस्टेंट से मुराद हमने यहाँ पर क्या लिया था, टाइम टेकन फॉर द आउटपुट क्वांटिटी टू 63% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू, मींस टू से फाइनल वैल्यू की जब ये 63%
शो करना स्टार्ट कर देगा ये वाला यहाँ तक, ठीक है। मीन्स टू से इतनी इसकी वैल्यू 63% इसकी फाइनल वैल्यू का यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो इतना टाइम जो इसको लगता है कि इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, टाइम कॉन्स्टेंट है। ये हमने वाई एक्सिस से इसको रिलेट करके देखा था कि 100% वैल्यूज इसकी यहाँ तक जाके अचीव होगी ना, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 50 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 60 कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पर 63, तो 63% जो इसकी फाइनल वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इतना जो कह पा रहा है क्या था, टाइम कॉन्स्टेंट था। अब हमारे पास है जी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। सेकेंड ऑर्डर में दो डेरिवेटिव इन्वॉल्व होंगे, एक जिसकी डिग्री सेकेंड है और ये एक ये है, ठीक है। तो उसको भी हम यहाँ पर ये जो है वो ये तो हम लास्ट टाइम भी इमेजिन कर सकते थे, कर चुके हैं कि डी ओवर डी टी हमारे पास कैपिटल डी के बराबर होता है, ठीक है। ये कैपिटल डी के बराबर है तो ये स्केयर के साथ क्या है, डी स्केयर आ जाएगा। बाकी सारी क्वेश्चन एज इट इज है, इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना। सिंप्लीफाई करके हमने क्या करना है, क्यू नॉट की वैल्यू जो है वो एक साइड से कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। क्यू नॉट की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर दी, उसके बाद आउटपुट ओवर इनपुट कर लिया, तो मजीद जो है इसमें कुछ कॉन्स्टेंट जो है इनको हमने सिंप्लीफाई करके इमेजिन कर लिया। लाइक ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्या आ रहा है, ए नॉट डिवाइडेड बाई ए टू, ठीक है। और जीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमने इमेजिन की है ए वन डिवाइडेड बाई। ये आप अगर बाई हैंड भी खुद से कैलकुलेशन करेंगे और एट दी एंड जो है वो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम कॉन्स्टेंट रूट कर देंगे, यहाँ पर इनकी जगह पे प्लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो हमारे पास इस तरह से रहेगी, ये सेकेंड ऑर्डर की है। तो इसमें क्या है, लाइक हम इमेजिन करें कि यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हम स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम जो है वो इमेजिन कर रहे हैं, तो इसमें क्या है हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है जीटा की, ठीक है। आउटपुट अगर फर्ज करें हमारे पास जीटा की वैल्यू जीरो है, तो इसका जो रिस्पांस है वो इक्वेशन नंबर यहाँ पर जो ए जो है वो ये शो कर रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास जीटा की वैल्यू 0.2 है, ठीक है, तो हमारे पास जो रिस्पॉन्स जो होगा वो ये है, ठीक है। ये हमारे पास स्टेप रिस्पॉन्स है, ये हमारे पास मेजर क्वान्टिटी है, या हमारी इनपुट ये है और ये हमारे पास आउटपुट रिस्पॉन्स है जो हम ए बी सी डी ई के नाम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे जीटा की वैल्यू ज़्यादा होती जा रही है, वैसे वैसे जो है वो उसकी स्टेडी स्टेट जो है वो जल्दी अचीव हो रही है, ठीक है। यहाँ पर देखें ये ई और डी अगर आप देखें तो वो जल्दी स्टेबल हो रही है, यहाँ पर यही हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर जीटा की वैल्यू हमारे पास जीरो थी तो इसमें ये देखें इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा स्टेबल होने में, या माइट पॉसिबल है इसका साइक्लिक रिस्पॉन्स जो है वो कंटिन्यू रहे। लेकिन अगर जीटा की वैल्यू 0.2 करती है तो उसको थोड़ा कम टाइम लगेगा और यहाँ पर जाके एटलीस्ट वो स्टेबल होने की ट्राई करेगी। जीटा की वैल्यू 0.7 करती है तो सी कर्व है ये, इसको भी टाइम लगेगा लेकिन ये स्टेबल हो जाएगी। और अगर इससे मजीद आगे करते जाते हैं, वैल्यू हाई करते जाते हैं, तो उसका जो स्टेबल होने का टाइम है वो जल्दी अचीव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है डायनामिक। ये तो अभी तक हमने इनपुट और उनके रिस्पॉन्सेज को ऑब्जर्व किया था, अभी हम अगर इनमें डायनामिक करेक्टरिस्टिक्स होती कौन कौन सी है उनको हम अभी फिंगर टिप्स पर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम आ जाता है। रिस्पॉन्स टाइम से मुराद ये है कि हमारा सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्स या रिएक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। जब हम इनपुट दे रहे होते हैं तो उसके रिजल्ट में वो रिएक्ट करता है, ठीक है। तो जितना टाइम उसको लगेगा रिएक्ट करने में हम उसको कहते हैं कि ये उसका रिस्पॉन्स टाइम है, ठीक है। तो इसको मजीद ग्राफ से देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। टाइम कांस्टेंट ये है, टाइम कांस्टेंट बेसिकली डिसाइड करता है कि आपका सेंसर कितना फास्ट काम करता है, ठीक। अगर तो वो फौरन फौरन आपको सेंस करके वैल्यू दे दे तो इसका मतलब है उसका टाइम कांस्टेंट कम है। मेक श्योर जितना टाइम कांस्टेंट कम होगा आपका सिस्टम जो है सेंसर जो है वो उतना ही एफिशिएंट होगा। जितना ज्यादा कांस्टेंट टाइम कांस्टेंट बढ़ता जाएगा आपका इंस्ट्रूमेंट उतना ही रिएक्शन स्लो शो करेगा और जो है वो इस लिहाज से इतना अच्छा जो है वो कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जितना भी जो भी रिस्पॉन्स हो वो हमें फौरन मिल जाए, तो इसलिए हम वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसका टाइम कॉन्स्टेंट कम हो, अदरवाइज वो जो सेंसर होगा वो स्लोअर कंसीडर होगा। उसके बाद राइज टाइम है और सेटलिंग टाइम है। राइज टाइम हमारे पास क्या है, बेसिकली स्पेसिफाइड लो वैल्यू से लेके स्पेसिफाइड हाई वैल्यू तक जाने में सिग्नल को जितना टाइम लगता है या उसमें उसमें चेंज जितने टाइम में आता है उसको हम राइज टाइम का नाम देते हैं, ठीक है। ये मजीद जो डिटेल्स हैं ये ग्राफ में से देखेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब सेटल टाइम की जब बात करते हैं तो जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि ये हमारे पास जो है वो इनपुट जो है वो हमने डिफरेंट पढ़ी थी यूँ करके, ठीक है। तो एक टाइम आता था जिसपे ये क्या था स्टेबल हो जाती थी एट दी एंड, ठीक है। तो उसको उसमें जितना टाइम लगता है उसको हम सेटल टाइम कहते हैं।
ये ग्राफ है, यहाँ से हमें जितनी भी डेफिनेशन हमने पढ़ी है यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमने क्या देखा था, रिस्पॉन्स टाइम देखा था। ठीक है, तो रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पर क्या है कि सिस्टम जो है यहाँ पर जीरो से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद इसने यहाँ से रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो ये इसका क्या होगा, इसको हम यहाँ से रिस्पॉन्स टाइम कंसीडर करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या था, टाइम कॉन्स्टेंट था। टाइम कॉन्स्टेंट से हमारा क्या था कि सिस्टम जो है वो रीच होता है 63 वैल्यू से। ठीक है, राइज टाइम को डिस्कस किया था, राइज टाइम में हमारे पास क्या था कि सिग्नल जो है वो स्पेसिफाइड लो वैल्यू से स्पेसिफाइड हाई वैल्यू से, मीन्स टू से 10% ऑफ स्टडी वैल्यू को 90 से 95% तक वैल्यू जब इसकी अचीव हो जाती है। लाइक यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसकी 100% वैल्यू जो है वो 2.5 के करीब करीब है, या उससे थोड़ा सा बिलो है, 2.4 कर लेते हैं कंसीडर। ठीक है, तो इसकी 90 से 95% वैल्यू जो है वो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसने अचीव कर लिया तो उसको हम इतने टाइम को हम नाम देते थे कि ये इसका राइज टाइम है। अगर यहाँ से ऑब्जर्व करें ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, पीक इसके अचीव हो रही है, तो उसको हम नाम देते हैं पीक टाइम है। ठीक है, उसके बाद जो है वो यहाँ से जो पीक है ये सेटल होना स्टार्ट हो रही है, मीन्स जो सी फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी थोड़ी सी ऑसिलेशन हमें ऑब्जर्व करने को मिलती है, तो जितना ये मैक्सिमम ऊपर तक जा सकती है इसको हम सेटलिंग मैक्स का नाम दे रहे हैं, और जितना ये बिलो आ सकती है उसको हम सेटलिंग मिन का नाम देते हैं। उसके बाद जो है ये स्टेबल होते होते यहाँ पर जाके क्या हो जाती है, एट द एंड स्टेबल होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से बेसिकली जो इसका टाइम स्टार्ट होता है, मीन्स टू से इस टाइम के बाद जो है वो क्या है, ये सेटल होना स्टार्ट कर देती है, तो इसको हम सेटलिंग टाइम का नाम करते हैं। ठीक है, मैं रिवाइज कर देती हूँ कि यहाँ से इसने रिस्पॉन्स शो करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स टाइम है, उसके बाद यहाँ पर जो है ये 90 से 95% वैल्यू यहाँ पर अचीव कर ली है इसने, तो ये इसका क्या है, इसको हम राइज टाइम का नाम देते थे। यहाँ पर इसने पीक वैल्यू अचीव किया तो उसको हम पीक टाइम का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इसकी सेटलिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी सेटल हुआ नहीं है, तो मैक्सिमम जो है वो जितना इसकी ऑसिलेटिंग यहाँ और यहाँ तक पॉसिबल है, तो ये मैक्सिमम लेवल है तो उसको सेटलिंग मैक्स का नाम दे दिया, यहाँ से ये मिनिमम लेवल है तो उसको सेटलिंग मिन का नाम दे दिया, और इस ड्यूरेशन के बाद क्या है कि ये स्टेबल हो जाएगी इसकी आउटपुट। ठीक है, तो इसको हम नाम देंगे सेटलिंग टाइम। ठीक है, आज तक जो है वो हमने पढ़ा है वो डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक को डिटेल से डिस्कस किया है। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।